और कांग्रेस ने जब 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 भी मोदी जी के खिलाफ इस तरह की विषैली भाषा का उपयोग किया है उनको मुंह की खानी पड़ी है। इस बार कर्नाटक के अंदर भी इनको कर्नाटक की जनता जवाब देगी। एक जो सबसे अहम मुद्दा जो कर्नाटक में उभर के आया है वो है रिजर्वेशन का मामला। जिस तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा किया गया है, उन्होंने कहा कि 75% हम बढ़ा देंगे रिजर्वेशन, उस पूरे रिजर्वेशन के मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर दी। देखिए, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, सच कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने एपीसमेंट की पॉलिसी के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है। और मैं मानता हूँ हमने बहुत उचित कदम किया है। ये ठीक है थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये हमारा जो फैसला है ये संविधान सहमत है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करते हैं, एससी के रिजर्वेशन को हटाने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हमने बहुत सोच समझ कर किया है। एक मधुस्वामी कमेटी बनी थी, मधुस्वामी कमेटी ने ढेर सारे डेटा का एनालिसिस कर आबादी की संख्या को काउंट कर उनके प्रतिनिधित्व को काउंट कर एक बैलेंस अप्रोच के साथ सरकार को एक सुझाव दिया था। उसके बाद में सरकार ने स्टेक होल्डर से भी चर्चा की है, चुने हुए विधायकों से भी चर्चा की है और समाज के आगेवानों से भी चर्चा की है, सोशल लीडर से भी चर्चा की। ये सब कर अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इसके अंदर हमने रिजर्वेशन के अंदर कुछ लिमिट्स तय किए हैं। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है वो कांग्रेस हटाना चाहती है, मगर मैं आज आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि एससी में रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन है वो नहीं हटेगा। और जो हमने तय किया है राइट के लिए लेफ्ट के लिए और अन्य एससी के समाजों के लिए वो जस का तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं।